हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो एक न्यू चैप्टर के ऊपर होगा जिसका नाम है इंडियाज फॉरेन ट्रेड के बारे में। तो सबसे पहले ट्रेड का मतलब होता है कुछ भी चीज़ को बेचना या फिर खरीदना, उसे हम ट्रेड कहते हैं। अब ट्रेड क्या क्या गया है? फॉरेन मतलब हम बाहर की कंट्री के साथ कैसे सामान को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, उसका मतलब होता है फॉरेन ट्रेड। अब इसके आगे आ गया इंडिया, मतलब इंडिया कैसे बाहर की कंट्री से सर्विस या गुड्स को खरीदता है, वो बेचता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इंडिया फॉरेन ट्रेड के बारे में मतलब हम इंडिया के बारे में जानेंगे कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड मतलब बाहर की कंट्री के साथ बाइंग और सेलिंग कैसा है, ठीक है। तो वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। अब मैं आप सभी के साथ और एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। देखो, जब आपकी कंट्री, सपोज करना आप इंडिया में रहते हो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, या फिर आपकी कोई भी कंट्री में रहते होंगे, तो आपकी कंट्री जब अदर कंट्रीज मतलब आपकी कंट्री को छोड़ के बाकी और जितनी भी कंट्रीज है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब आपकी कंट्री कोई और कंट्री को अपना सामान सेल करती है, बेचती है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट करना कहते हैं, ठीक है। जब आपकी कंट्री कोई और कंट्री को अपना सामान बेचती है उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। और अब जब कोई और कंट्री को सामान बेचती है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो जब आपकी कंट्री कोई और कंट्री से सामान खरीदती है, परचेज करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंपोर्ट करना कहते हैं, ठीक है। तो ये जब आपकी कंट्री अपना सामान कोई और कंट्री से खरीदती है तो ये सब कहलाता है फॉरेन ट्रेड। तो ये एक ओवरऑल मैंने व्यू दिया है, ठीक है। अब ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इसलिए बताया गया कि ये चैप्टर में आपको आगे जाके काम आने वाले हैं टर्म्स, राइट। तो इसके लिए अभी मैंने आपको ये चीज़ बताया। अब देखो, हर कंट्री, आज तो वैसे इंट्रोडक्शन है तो आज मैं बहुत कम चीज़ें बताऊंगा। देखो, कोई भी कंट्री के पास अपना एक प्रोडक्ट होता है जिसमें वो बहुत अच्छा होता है। जैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा टी अवेलेबल है, ठीक है, सबसे ज़्यादा टी अवेलेबल है, और इंडिया को टी बनाने के लिए खर्चा भी बहुत कम आता है, ठीक है। तो इंडिया क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा टी बनाता है। वैसे पाकिस्तान, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, तो पाकिस्तान में ड्राई फ्रूट्स क्या है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और पाकिस्तान को ड्राई फ्रूट बनाने के लिए खर्चा भी कम होता है। वैसे यूएसए में कॉर्न जो है बहुत अवेलेबल है, और कॉर्न को बनाने के लिए यूएसए को बहुत कम पैसा देना पड़ता है, बहुत कम खर्चा आता है। तो हर कंट्री अपने अपने प्रोडक्ट में स्पेशलाइज होते हैं। जैसे इंडिया टी में है, पाकिस्तान ड्राई फ्रूट्स में, यूएसए कॉर्न में, ऐसी जैसे दुबई पेट्रोल में है, ठीक है। ऐसी बहुत सारे मैंने एग्जांपल में सिर्फ थ्री लिया है, ठीक है, तीन एग्जांपल लिया है। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन में मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हर कंट्री क्या करती है, सरप्लस अमाउंट में अपना प्रोडक्ट बनाती है जिसमें वो स्पेशलाइज होती है। जैसे मान लो, यहाँ पे मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। अब डोमेस्टिक कंजम्पशन का मतलब होता है जब एक कंट्री के अंदर के सिटीजन मतलब जो भी कंट्री में पीपल है, वो पीपल कितना उस प्रोडक्ट को या सर्विस को यूज़ करते हैं, उसे हम डोमेस्टिक कंजम्पशन कहते हैं। अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ, मान लो कि इंडिया में सिर्फ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, कम एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि आपको अच्छा समझ में आएगा। मान लो कि इंडिया में सिर्फ दो पीपल है, ठीक है, इंडिया की सिर्फ पॉपुलेशन है दो पीपल, सिर्फ यहाँ पे दो पीपल रहते हैं इंडिया में, ठीक है। अब तो इंडिया क्या करता है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन मतलब अगर मैं इंडिया क्या है, टी में सबसे ज़्यादा इंडिया को सबसे ज़्यादा टी अवेलेबल है और उन्हें खर्चा भी कम होता है, तो इंडिया क्या करती है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन मतलब जो भी कंट्री अपने प्रोडक्ट में स्पेशलाइज है, तो वो क्या करती है, अपना प्रोडक्शन जितने लोग हैं उससे ज़्यादा बनाती है। मतलब मान लो अगर मैं इंडिया का एग्जाम्पल लूँ, तो इंडिया क्या करेगा, टी का चार डब्बा बनाएगा, एक दो तीन चार, और लेकिन इंडिया में लोग कितने, सिर्फ दो लोग हैं, तो कंट्री ने और चार डब्बे बनाए टी के। अब ये कंट्री करती क्या है, देखो, एक डब्बा इसको दे देगी टी का, एक डब्बा इसको दे देगी। अब कंट्री के पास दो डब्बे एक्स्ट्रा में है, तो कंट्री क्या करती है, कोई भी कंट्री क्या करती है, जो भी प्रोडक्ट में वो स्पेशलाइज होती है, तो वो क्या करती है, उसका प्रोडक्शन जितने भी कंट्री में लोग हैं उससे हमेशा ज़्यादा बनाती है। जैसे कंट्री में सिर्फ दो लोग हैं, लेकिन इंडिया क्या कर रही है, टी के चार डब्बे बना रही है, एक डब्बा इसके लिए, एक डब्बा इसके लिए, लेकिन दो डब्बा एक्स्ट्रा इसका क्या होगा। देखो, ये जो दो डब्बे जो एक्स्ट्रा है ना, ये कोई भी कंट्रीज क्या करती है, इस डब्बे को वो क्या कर देती है, एक्सपोर्ट कर देती है। एक्सपोर्ट करना मतलब होता है आपकी कंट्री के पास जो भी सबसे ज़्यादा है वो क्या करती है, आप क्या करते हो, उस चीज़ को बाहर की कंट्री में भेज देते हो। तो इंडिया भी क्या करती है, जितने लोग हैं उनको उतना सामान तो देगी, लेकिन जो सामान वो एक्स्ट्रा में है वो सामान को क्या कर देती है, बाहर की कंट्री को सेल कर देती है, बेच देती है, एक्सपोर्ट कर देती है। अब बताओ, जब आप कोई भी कंट्री को सेल करोगे सामान अपना, बेचोगे, तो बाकी कंट्री क्या करेगी, आपको पैसा देगी। तो आपकी कंट्री में पैसा आ रहा है तो ये अच्छी बात होती है, इसलिए हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए।
ठीक है, लेकिन जब आप इंपोर्ट करते हैं, मतलब जब आप कोई और कंट्री आपको सामान देती है तो आपके पास सामान आ रहा है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी कंट्री को पैसा देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपकी कंट्री का जो पैसा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि कोई भी कंट्री को इम्पोर्ट कम से कम करना चाहिए लेकिन एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। तो सरप्लस का मतलब यही है, हम क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, और हमारे जितने भी कंट्री के कोई भी लोग हैं, जितने लोग हैं, तो हम क्या करते हैं उससे ज़्यादा क्या कहते हैं प्रोडक्शन करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं सरप्लस कहते हैं। तो एक बार नोट कर लेना, ठीक है। तो बच्चों अब हम अगली लेक्चर्स में फॉरेन ट्रेड के और क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर्स में मैंने जो आपके साथ इंट्रोडक्शन शेयर किया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आपको ये सारे टर्म्स जो है इसका यूजफुल होने वाला है, सरप्लस का होने वाला है, ये सारी चीज़ों का जो भी आज मैंने बताया इसका यूजफुल होगा। तो हे गाइस, लेक्चर को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप केस स्टडी नोट्स ये सारी चीज़ आप किधर से ले सकते हो। तो आपके पास जो भी ब्राउजर है वो ओपन करना, चाहे वो क्रोम हो, फायरफॉक्स हो, कोई भी हो, मैं गूगल क्रोम खोल लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्रोम खोलोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली सर्च करना है बिंग कॉमर्स, ठीक, फिर एंटर कर दो। अब गाइस जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे गाइस आपको हमारा इंस्टाग्राम पेज दिखेगा, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, जाके देख सकते हो, 23,000 फॉलोअर्स है। फेसबुक भी कर सकते हो गाइस फॉलो, ठीक है। और गाइस यहीं पे आप देखो नीचे आओगे, यहाँ यूट्यूब का है, नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा बिंग कॉमर्स का, bingcommerce.in का वेबसाइट, यहाँ पे जाके क्लिक करो तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। अब गाइस जैसी वेबसाइट खुल जाएगी यहाँ पे ब्लॉग में आना, अपनी क्लास सिलेक्ट करना, जैसे क्लास 12 में हो, तो गाइस जैसे आप क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज में क्लिक कर दोगे तो आपको आप यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे नोट्स यहाँ पे है, बस रीड मोड करोगे तो पूरा उसका नोट्स खुल जाएगा। और गाइस अगर आपको केस स्टडी चाहिए तो क्लास 12 में जाना, केस स्टडी में यहाँ पे क्लिक करना, बिजनेस स्टडी से केस स्टडी में जाना, यहाँ पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, बिजनेस स्टडीज की केस स्टडीज मिल जाएगी, ठीक। तो गाइस ये लोड होने में तो टाइम लगता है, ठीक, तो ये अपने आप लोड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको सारी केस स्टडी मिल जाएगी, आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत सारी केस स्टडी देख सकते हो, जूम भी करना चाहो तो पास भी लेके जा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। और गाइस यहाँ पे अगर आपको क्लास 12 यहाँ पे हैंडी लेक्चर नोट्स का भी ऑप्शन है, मतलब ये लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट है, तो अगर आपको जल्दी रिवाइज करना होगा तो आप यहाँ पे भी चले जाओ तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब जब आप बाहर की कंट्री को सामान बेचते हो या फिर बाहर की कंट्री से सामान खरीदते हो तो हम क्या कहते हैं इसे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ फॉरेन ट्रेड को हम क्या कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं। फॉरेन ट्रेड का एक अलग भी नाम है, उसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रेड मतलब फॉरेन ट्रेड, तो इंटरनेशनल ट्रेड के क्या क्या फायदे होते हैं तो वो मैं आप सभी के साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। देखो होता क्या है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, कोई भी कंट्री अपना सामान जो भी सामान में हो सबसे ज़्यादा होती है, जैसे पाकिस्तान क्या है, ड्राई फ्रूट्स उसके पास सबसे ज़्यादा है, सस्ता भी उसको सबसे ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स ही पड़ता है बनाने के लिए, तो क्या करती है पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स बेचती है। तो कहीं ना कहीं कंट्री क्या करती है, जो भी प्रोडक्ट में वो स्पेशलाइज होती है तो उसको क्या करती है ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की कंट्री में बेचती है। तो फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन का मतलब ये होता है। अब ठीक है, अब कंट्री बाहर बेचेगी तो कंट्री के पास पैसा आएगा, और कंट्री के पास पैसा आना मतलब अच्छी बात है, तो यही है फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन का मतलब। हेल्प्स इन फाइंडिंग मार्केट टू सेल सरप्लस आउटपुट। जैसे मैंने अभी आपको कहा, जैसे इंडिया क्या है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था इंडिया में सिर्फ सपोज करना दो है, लेकिन कोई भी कंट्री क्या करती है जितने कंट्री में लोग हैं उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करती है। कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, सपोज करना इंडिया में 2% है, सिर्फ 2 लोग रहते हैं, और इंडिया सबसे ज़्यादा टी बनाती है, तो इंडिया ने क्या किया 4 डब्बे बनाए, जो 4 में से क्या किया 2 डब्बे उसने अपने कंट्री के सिटीजन को दे दिया, और जो 2 डब्बे हैं वो कंट्री ने क्या किया बाहर कंट्री को बेच दिया, है ना। तो हम क्या करते हैं वही करते हैं, हम क्या कहते हैं सरप्लस आउटपुट को बाहर की कंट्री में बेच देते हैं, ठीक है। अब फैसिलिटेट्स इंपोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स। अब देखो जो भी सामान हमारे पास नहीं होता वो क्या करते हैं हम बाहर की कंट्री से मंगाते हैं, जैसे पेट्रोल हमारे पास नहीं है तो हम क्या करते हैं बाहर की कंट्री, जैसे दुबई है, दुबई से क्या करते हैं पेट्रोल मंगाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या इंटरनेशनल ट्रेड के कारण पॉसिबल है, या फिर फॉरेन ट्रेड के कारण ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। तो फैसिलिटेट्स इंपोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड, इंपोर्ट मतलब होता है परचेज करना, तो हम क्या करते हैं जो भी चीज़ हमें ज़रूरत लगता है वो क्या करते हैं हम इंपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्री से, मतलब परचेज करते हैं, ठीक है। अब है मीन्स ऑफ अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज फॉर अ डेवलपमेंट ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज। देखो इंटरनेशनल ट्रेड से क्या होता है अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, आप पैसा कमाते हो। पैसा कैसे कमाते हो, देखो जब आप बाहर की कंट्री को अपना सामान बेचते हो तो वो क्या करते हैं आपको पैसा देते हैं। अब कोई भी कंट्री के पास पैसा आएगा तो ये अच्छी बात होती है। अब कंट्री क्या करती है इस पैसे को क्या करती है अलग अलग जगह पर इस्तेमाल करती है, मतलब मान लो वो क्या करेगी डैम बनाएगी, अब डैम बनाने के लिए लोग चाहिए, अब लोग आएंगे तो उनको अब लोग काम करेंगे तो कंट्री को उसका पैसा देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रेड आप करते हैं ना कंट्री का पैसा आता है, तो इस पैसे को कंट्री क्या करती है कोई डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर देती है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे दिया गया है मीन्स ऑफ फॉरेन, कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू क्या करती है फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करती है। प्रमोट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ,
अब देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है, प्रमोट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसे मैं आपसे एग्जाम्पल में समझाता हूँ। देखो ये क्या है, ये मेरे पास एप्पल का लैपटॉप है, ठीक है, एप्पल का मैकबुक एयर है मेरे पास। अब ये जो मैकबुक एयर है ना, ये मेरे पास कैलिफोर्निया से आया, क्योंकि एप्पल जो भी अपना प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, वो इंडिया में नहीं बनाता। ये जो प्रोडक्ट मेरे को ना, मेरे जो सबसे, मेरे घर के पास जो सबसे नज़दीक ऐप स्टोर था, मेरे को वहाँ से मिला। लेकिन मिलने की बात तो छोड़ो, ये प्रोडक्ट बना कहाँ पे, कैलिफोर्निया में बना। कैलिफोर्निया से वो यहाँ पे इंडिया में आया, इंडिया में सब ऐप स्टोर में आया। अब मैं क्या किया, ऐप स्टोर में गया, जो भी मेरे सबसे पास में ऐप स्टोर है वहाँ से जाके मैंने खरीद लिया, ठीक है। तो ये आया कैसे, ये इंटरनेशनल ट्रेड के कारण आया। हमारी कंट्री ने क्या किया, बाहर की कंट्री से इस सामान को खरीदा, इंपोर्ट किया, ठीक है। तो ये क्या है, इंपोर्ट के थ्रू आया है। तो कहीं ना कहीं ये क्या, इंटरनेशनल ट्रेड के कारण आया है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे अच्छी होगी। देखो सबसे पहले ना, मेरे पास ना पता है इंडिया का वो था, सबसे पहले मेरे पास इंडिया के प्रोडक्ट हुआ करते थे, जैसे माइक्रोमैक्स, ये सारी चीज़ें। अब आपको पता है एप्पल अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है। अब ये मेरे पास आया, अब कोई भी बंदा देख लेगा कि कुणाल के पास ये एप्पल का मैकबुक है, लैपी है, तो वो क्या सोचेगा, ये सोचेगा भाई कुणाल अच्छे घर से है ना। तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है ना। तो अब ये प्रोडक्ट, अब ये प्रोडक्ट आया कैसे, इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू। अब मेरे पास आया, एप्पल का ब्रांड है। अब लोग को अगर मैं दिखाऊंगा मेरे पास ये चीज़ है, तो वो क्या समझेंगे कि भाई कुणाल एक अच्छे घर से आया है, या फिर उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, इसके कारण उसके पास इतना महंगा लैपटॉप है। तो कहीं ना कहीं प्रमोट क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब होता है, आप इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू कोई भी पर्सन अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। प्रमोट का मतलब होता है इंक्रीज करना। अब है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, इनहेंसेस अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट थ्रू एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। देखो सेम चीज है, हम क्या करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू मार्केट को, अपना जो हमारा मार्केट है वो कैसे होता है, इंक्रीज होता है। देखो कैसे, आप क्या करते हो, भारत की कंट्री को सामान बेचते हो, पैसा आता है, तो इस पैसे को हम क्या करते हैं, कंट्री में इन्वेस्ट कर देते हैं, डोमेस्टिक कंट्री, जो भी आपकी कंट्री है उसमें आप क्या कर देते हो, उसे इन्वेस्ट कर देते हो। जैसे आप डैम बनाओगे, हॉस्पिटल बनाओगे, ये सारी चीज़ें बनाओगे, तो आपकी कंट्री क्या करेगी, कहीं ना कहीं ग्रो करेगी, एक्सपेंड करेगी। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, इनहेंस अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट थ्रू एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। हम क्या कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, मार्केट बढ़ जाता है। एक्सीलरेट द पेस ऑफ अर जीडीपी ग्रोथ। बच्चों जीडीपी मतलब क्या, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। अब देखो प्राइमरी में क्या आता है, एग्रीकल्चर आता है। देखो फार्मर्स क्या करते हैं, हमारे आज भी बहुत सारे फार्मर्स हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं, जो भी एग्रीकल्चर का, जैसे राइस हो गया, पल्सेस हो गया, ये सारी चीज़ों को क्या कर देते हैं, बाहर बेच देते हैं। अब बाहर बेचेंगे तो कहीं ना कहीं पैसा आएगा, पैसा आएगा तो मतलब प्राइमरी सेक्टर बढ़ेगा, प्राइमरी सेक्टर बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी की ग्रोथ होगी। वैसे हमारी कंट्री में सेकेंडरी सेक्टर, जैसे हम क्या करते हैं, कोई मशीन्स इंडस्ट्री सेक्टर में, जैसे कंस्ट्रक्शन आ जाती है, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, बाहर को बेच देते हैं मशीन वैसे, तो उससे भी पैसा आता है, उससे भी जीडीपी ग्रोथ हो जाती है। हमारी कंट्री क्या करते हैं, कुछ कुछ सर्विस, जैसे टर्जरी सेक्टर की मैं बात करूँ तो कुछ कुछ सर्विस हम क्या करते हैं, बाहर की कंट्री को देते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, अमेरिका क्या करता है, इंडिया में अपने अकाउंटेंसी बनाने के लिए वो क्या करता है, पैसा देता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को बोलता है कि तुम हमारी कंपनी का अकाउंट बना दो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उनके कंट्री का अकाउंट बना देते हैं, तो उसके पहले वो हमें क्या करते हैं, पैसा देते हैं। तो कहीं ना कहीं टर्जरी सेक्टर मतलब सर्विस देना, तो हमारा टर्जरी सेक्टर भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी तीनों ग्रो कर रहा है, तो जीडीपी भी ग्रो करता है। तो ये कुछ मैंने आप सभी के साथ इंटरनेशनल ट्रेड के फायदे बताए। गाइस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिंग कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे हमारे पास 17,000 प्लस फॉलोअर्स है, और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे हमारे पास 78,000 प्लस फॉलोअर्स है। और गाइस आप हमारी वेबसाइट में जरूर विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, कोर्सेज, बहुत सारी चीज़ मिल जाएगी, और यहाँ पे आप अपना कोर्स भी खुद का क्रिएट कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। और गाइस हमारी कंपनी हमेशा प्रॉफिट का 25% एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को देती है, जहाँ पे हम जो भी बच्चे फीस नहीं दे सकते, स्कूल की कॉपी बुक्स नहीं खरीद सकते, हम उनको वो सारी चीज़ फ्री में देते हैं। तो गाइस इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिंग कॉमर्स शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। वो है इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस के बारे में। तो आज हम ये जानेंगे कि जैसी इंडिया को जैसे इंडिपेंडेंस मिली, तो उसके बाद आफ्टर मतलब उसके बाद इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था, मतलब इंडिया कैसे बाहर की कंट्री के साथ सामान लेता था, कैसे उनसे उनको सामान बेचता था। तो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो लेक्चर है ना, मतलब ये जो टॉपिक है ना, इसको चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला है वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड, कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, 1991 और ईयर ऑफ डिवाइड, ठीक है। तो ये चार चीज़ें मैं अभी आपके सभी के साथ डिस्कस करूँगा। सो फर्स्ट पॉइंट है, अगर मैं इसका बताऊँ तो सबसे पहला है वॉल्यूम ऑफ अ फॉरेन ट्रेड। इसका मतलब क्या होता है, देखो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ अ कंट्री, मतलब हम जितना भी सामान बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब बाहर की कंट्री को बेचना, इम्पोर्ट मतलब खरीदना, तो हम जितना भी सामान बाहर की कंट्री को बेचते हैं या फिर उनसे खरीदते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या है,
ठीक है, वो है वैल्यू ऑफ अ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो इसका मतलब, इसकी मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब मैं इसको आपको डाटा से समझाता हूँ। देखो, हम लोग ने, मैंने आपको चैप्टर टू में बताया था, हमने बहुत सारे फाइव ईयर प्लान्स को किए थे। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे फर्स्ट ईयर प्लान और यहाँ पे मैंने इलेवेंथ ईयर प्लान को दोनों में कंपेयर किया है। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट प्लान में हम सिर्फ ₹3,651 इम्पोर्ट करना, मतलब बाहर की कंट्री से खरीदते थे, लेकिन इलेवेंथ प्लान में हमने क्या किया, इतना बढ़िया, हम इतना चीज़, इतनी प्राइस का, इतना वैल्यू का सामान बाहर की कंट्री से मंगाते थे। ठीक है, 78,68,723। और एक्सपोर्ट मतलब हम बाहर की कंट्री को कितना सामान बेचते थे, तो फर्स्ट ईयर प्लान में हम 3109, इतनी वैल्यू हम क्या करते थे, इतना वैल्यू का सामान हम बाहर की कंट्री को बेचते थे, लेकिन इलेवेंथ प्लान में हम 49,44,356 इतना सामान हम बाहर की कंट्री को बेचते थे। तो दोनों का आप टोटल करेंगे ना, तो फर्स्ट ईयर प्लान में आपको 6760 दिखेगा और इलेवंथ प्लान में 1,28,13,079 दिखेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आपको चार्ट बनाना है एग्जाम से पूछेगा तो, और फिर आपको बताना है कि देखो, फर्स्ट प्लान में 6760 ट्रेड हम लोग फॉरेन ट्रेड करते थे, लेकिन इलेवंथ प्लान में इतना सारा बढ़ गया है ना, तो कहीं ना कहीं क्या अच्छी बात है कंट्री के लिए कि हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, देखो सेकेंड पॉइंट में मैंने लिखा है इम्पोर्ट इंक्रीज बाई 2155 टाइम्स, मतलब जो हमारा इम्पोर्ट है, ये इम्पोर्ट है, ये क्या हो गया, इलेवंथ प्लान में 2155 टाइम्स इंक्रीज हो गया फर्स्ट प्लान से। मतलब देखो, अगर मैं आप सभी के सामने एक चीज़ रखूँ, 3651, ठीक है, अब इंटू टाइम्स का मतलब है, इंटू टाइम्स का मतलब है, इंटू मैंने कर दिया 2155, देखो कितना आएगा, 67 कुछ अप्रॉक्स, देखो 78 तो आ रहा है। ठीक है, 78 लेकर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इम्पोर्ट क्या हो गया, 2155 टाइम्स बढ़ गया 3651 से। वैसे एक्सपोर्ट भी क्या हो गया, बढ़ गया कितना, 1590 टाइम्स। देखो अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूँ तो देखो, 3109 इंटू कितना है, 1590, देखो 49 लाख समथिंग आ गया है ना, तो इतना बढ़ गया, जो कि कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात होती है। तो वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, ठीक है, तो ये है इंडिया को जैसे इंडिपेंडेंस मिली तो हमें ये पता चला कि वैल्यू हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो क्या हो गया, बढ़ गया। अब सेकंड पॉइंट है कंपोजिशन ऑफ अ फॉरेन ट्रेड। देखो, कंपोजिशन ऑफ अ फॉरेन ट्रेड का मतलब है टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, हम कैसी गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कैसी हम गुड्स एंड सर्विसेज बाहर की कंट्री को एक्सपोर्ट मतलब बेचते थे और इम्पोर्ट उनसे खरीदते थे। ठीक है, तो वो हम कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड में जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट है डिक्लाइन इन अ परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। तो इसका मतलब ये है, डिक्लाइन का मतलब है कम होना, परसेंट का मतलब आप जानती हैं, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट मतलब एग्रीकल्चर का सामान हम बाहर की कंट्री को बेचना कम कर दिए, क्योंकि यूजिंग रॉ मटेरियल फॉर अ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, डोमेस्टिक मतलब होता है इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, तो हम क्या करने, देखो ब्रिटिश के समय क्या होता था, जो भी ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, हमारे रॉ मटेरियल को अपनी कंट्री में लेके जाते थे, वहाँ पे फिनिश गुड्स बना के हमारी कंट्री में बेचते थे। लेकिन अब क्या होने लग गया, जैसे इंडिपेंडेंस हो गया, तो हम अपने रॉ मटेरियल को क्या करते थे, अपनी इंडियन इंडस्ट्री के लिए यूज़ करते थे, हम रॉ मटेरियल को बाहर बेचते नहीं थे। ये तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का जो सामान था वो हम एक्सपोर्ट करना कम कर दिए। ठीक है, डिक्लाइन इन शेयर परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट मतलब एग्रीकल्चर का जो सामान था वो क्या कर दिया, हम बाहर बेचना कम कर दिए। ठीक है, सेकंड रीजन ये भी है कि पॉपुलेशन बढ़ गई थी, जिसके कारण अपने आप हम एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट करना बंद कर दिए थे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ अ कन्वेंशनल आइटम्स। आप देखो कन्वेंशनल आइटम्स कैसे हैं, जैसे जूट हो गया, टी हो गया, ये सारे हैं, ये सारे को कहते हैं हम कन्वेंशनल आइटम्स। देखो, यूजिंग कन्वेंशनल आइटम्स फॉर अ डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन मतलब इंडिया के लिए। ठीक है, अब देखो जो भी ऐसे टी जूट ये सब क्या है, ये सब ऐसे आइटम्स हैं जो हम बाहर की कंट्री को नहीं बेचते, ये क्या हम इंडियंस खुद ही यूज़ कर लेते हैं, कंजम्पशन का मतलब है उसे यूज़ करना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जिसके कारण क्या हो गया, कन्वेंशनल आइटम क्या हो गया, हम बाहर की कंट्री को बेचते नहीं थे, जिसके कारण क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, मतलब हमने कन्वेंशनल आइटम को बाहर बेचना कम कर दिया। ठीक है, तो वही लिखा डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ अ कन्वेंशनल आइटम। ठीक है, हम लोग ने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करना कम कर दिया, कन्वेंशनल आइटम करना बाहर की कंट्री को कम कर दिया, तो हम लोग बाहर की कंट्री का एक्सपोर्ट बेचते क्या थे, देखो इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर ऑफ अ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मैन्युफैक्चर्स का मतलब है फिनिश गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का मतलब है फिनिश गुड्स। तो हम क्या करते हैं, देखो आपको पता है कि ब्रिटिश के समय ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जैसे रॉ मटेरियल में कॉटन है, ठीक है, कॉटन को अपनी कंट्री में लेके जाते थे ब्रिटेन में, वहाँ पे उसको फिनिश गुड्स में बना के हमारी कंट्री में बेचते थे, हमारा सामान हमारी कंट्री में बेचते थे। लेकिन होने क्या लगा, जैसे इंडिपेंडेंस हो गया तो क्या होने लगा, जो हम इंडिया का रॉ मटेरियल है कॉटन, जैसे मान लो कॉटन, तो वो क्या करते थे, हम इंडिया की इंडस्ट्री में क्या करते थे, इंडिया की इंडस्ट्री में हम क्या करते थे, उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते थे, जैसे कॉटन का कॉटन क्लोथ बना के हम क्या करते थे, बाहर की कंट्री को बेच देते थे। अब जैसे बाहर की कंट्री को हम क्या करते थे, सेल कर देते थे, सेल मतलब एक्सपोर्ट, बाहर की कंट्री को बेच देते थे। अब बाहर की कंट्री को बेचेंगे तो फ्री में तो बेचेंगे नहीं, अब बाहर की कंट्री को बेचेंगे तो वो हमें क्या देगी, पैसा देगी, अब हमारे पास पैसा आ रहा है तो ये अच्छी बात है ना, तो ये सबसे बड़ा फायदा हो गया। अब जैसे इंडिपेंडेंस मिला तो हम क्या करने लगे, हमारा रॉ मटेरियल
को हम अपने इंडिया में ही उसका रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बनाना चालू कर दिया, उसको बाहर की कंट्री में बेचने लग गए, ठीक है, जिससे हमें पैसा आने लगा। थर्ड पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, इसका मतलब समझना, कंट्रीज टू विच अ कंट्री एक्सपोर्ट्स इज गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब ऐसी कंट्रीज जहाँ पे एक कंट्री अपना सामान क्या करती है, बेचती और खरीदती है, ठीक है, एंड कंट्रीज फ्रॉम विच इट इम्पोर्ट्स, मतलब यहाँ का मतलब है जब एक कंट्री और सारी कंट्रीज को अपना सामान गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट मतलब बेचती है, और जब एक कंट्री बाहर की कंट्रीज को बाहर की कंट्रीज से अपना सामान खरीदती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो मतलब अगर मैं आपको एक छोटी सी मीनिंग बताऊँ हिंदी में, तो इसका मतलब ये है कि जब एक कंट्री बाकी सब कंट्री की गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती या बेचती है, उसे हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। तो जैसे इंडिया क्या था, यूएई, ठीक है, चाइना, यूएसए, सिंगापुर, ईरान, कोरिया, यूके, जापान, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और स्विट्जरलैंड, ये सारी जगह पे क्या करता था इंडिया, सामान अपना बेचता था। जैसे 2014-15 में आप देखोगे यूएसए में 13.7 सामान हम बेचते और खरीदते थे, यूएई में 10.6, चाइना में 3.8। तो ये वाला जो टॉपिक है ना बच्चों, इतना तो मैंने मेन मीनिंग आपको बता दिया, लेकिन आपको क्या करना है, इस टॉपिक के लिए आपको बुक रीडिंग एक बार करना है, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये मैं एक्सप्लेन करना मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा, बुक रीडिंग करना पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यूएसए में हम 1991 हम यूएसए में 1991 से पहले सबसे ज़्यादा यूएसए से सामान मंगाते थे और सबसे ज़्यादा यूएसए को सामान बेचते थे, ठीक है। अगर आपको याद होगा 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया था, ठीक है, तो वहाँ पे हो क्या गया था, यूएसए ने हमें बोला था कि अगर तुम लोग इंडिया को बोला था, यूएसए ने कि अगर तुमने इंडिया को बोला था कि तुमने अगर पाकिस्तान के साथ वॉर को नहीं रोका तो हम तुम्हें फूड की सप्लाई बंद कर देंगे। तो इसके चलते हुए क्या हो गया, इंडिया की मजबूरी थी, उन्हें यूएसए की बात माननी पड़ी और पाकिस्तान को क्या करना पड़ा, वॉर से रोकना पड़ा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूएसए से हम क्या थे, ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट थे और यूएसए को ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचते थे 1991 के पहले, ठीक है। तो ये भी चीज़ पूछ सकता है कि 1991 से सबसे ज़्यादा सामान किसे बेचती थी इंडिया और किससे खरीदती थी, तो आपका आंसर होना चाहिए यूएसए। हाँ, अब है हमारे पास 1991 ईयर ऑफ डिवाइड। अब ये ईयर ऑफ डिवाइड क्या, देखो 1991 को हम क्या कहते हैं, ईयर ऑफ डिवाइड कहते हैं। जैसे आपको पता होगा 1921 को भी हम क्या कहते थे, ईयर ऑफ डिवाइड कहते थे, क्योंकि 1921 से पहले पॉपुलेशन बहुत फ्लैक्चुएट सी बढ़ती थी, कम बढ़ती थी, कभी ज़्यादा बढ़ती थी, कभी बढ़ती नहीं थी, लेकिन 1921 के बाद पॉपुलेशन बढ़ने लगी अचानक से, आपने चैप्टर 1-2 में शायद पढ़ा है, ठीक है। वैसे ही यहाँ भी 1991 को भी ईयर ऑफ डिवाइड कहते हैं। अभी क्यों कहते हैं, देखो 1991 से पहले जो हमारा टोटल ट्रेड था वो क्या था, कम था। देखो जैसे मैं अगर आपको डाटा दिखाऊँ, टोटल ट्रेड, देखो जैसे मैं अभी आपको डाटा दिखाता हूँ, देखो ये हम लोग ने ट्रेड किया, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, ठीक है, ये टोटल ट्रेड है। देखो यहाँ पे टोटल ट्रेड क्या हो गया, कम होने लग गया। देखो यहाँ ये आफ्टर 1991 का डाटा है और यहाँ तक ये पूरा ये बिफोर 1991 का डाटा है, ठीक है। तो देखना यहाँ पे पूरे डाटे में देखो आपको कितना कम, सिर्फ 2,000, 1,000, ठीक है, इतना कम कम बढ़ रहा है। लेकिन आप देखो कि आफ्टर 1991 देखो 8 लाख, 20 लाख, 46 लाख, 1 करोड़, 28 लाख, इतना ज़्यादा ज़्यादा बढ़ने लगा 1991 के बाद, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने लिखा है, बिफोर 1991 जो टोटल रेट था वो क्या था, बहुत कम बढ़ रहा था, लेकिन आफ्टर 1991 वो टोटल रेट बच्चों बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या था सर, 1991 के पहले जो टोटल रेट था वो धीरे धीरे बढ़ क्यों रहा था, इसका मेन रीज़न था इनवर्ट लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी या फिर इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रेटजी। इसके कारण 1991 के पहले हमारा टोटल ट्रेड क्या हो रहा था, बहुत धीरे धीरे क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही 1991 के बाद टोटल ट्रेड क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। देखो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, ठीक है, क्यों बढ़ने लगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन के कारण। अब सर ये दोनों का मतलब क्या है, देखो इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी या फिर इसे इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रेटजी भी कहते हैं। देखो इसका मीनिंग क्या है, देखो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब यही इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। देखो ये कब फॉलो होता था, ये 1991 के पहले फॉलो हम करते थे, ठीक है, इस पॉलिसी को, जिसके कारण हमारा टोटल ट्रेड था कम होने लगा, कम कम बढ़ता था। देखो ये इसका मतलब है क्या, देखो डोमेस्टिक इंडस्ट्री मतलब होती है इंडिया की इंडस्ट्री, डोमेस्टिक मतलब इंडिया की इंडस्ट्री, प्रोटेक्ट का मतलब है बचाना, फ्रॉम किससे, फॉरेन कॉम्पिटिशन मतलब बाहर की कंपनी से बचाना, मतलब इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की एक ऐसी स्ट्रेटजी थी गवर्नमेंट की, जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती थी, इंडिया की इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करके रखती थी अदर कंट्रीज की कंपनी से, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन या फिर इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। इसी की वजह से हमारा जो टोटल ट्रेड था जो कि बहुत कम कम बढ़ रहा था, जो कि बहुत गंदी बात है, लेकिन आफ्टर 91 फटाफट क्यों बढ़ने लगा, क्योंकि एक्सपोर्ट प्रमोशन के कारण। अभी सर एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या होता है, देखो एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना, बाहर की कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचोगे आप तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा,
ठीक है। और एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब है एक्सपोर्ट ज्यादा करना और इंपोर्ट कम करना। इंपोर्ट कम करने का मतलब आप देखो, इंपोर्ट मतलब होता है जब आप बाहर की कंट्री से सामान खरीदते हो। बाहर की कंट्री से आप सामान खरीदोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हें पैसा देना पड़ेगा, जो कि गंदी बात है, आपका पैसा जाएगा, है ना। तो इंपोर्ट हमेशा कहा जाता है एक्सपोर्ट प्रमोशन मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करो, इंपोर्ट कम करो, इंपोर्ट कम करो, ठीक है। इसको कहते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन हिंदी के लैंग्वेज में, लेकिन मैं आपको एक बार इसकी एक मीनिंग भी बता देता हूँ। और ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन है, ये हम 1991 के बाद से गवर्नमेंट ने फॉलो करना चालू कर दिया। देखो, स्ट्रेटजी टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाय इंकरेजिंग या फिर प्रमोटिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन या एक्सपोर्ट एंड मेकिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री कॉम्पिटेटिव इन इंटरनेशनल मार्केट। बच्चों सेम चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताया। ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट क्या करने लगी, इंकरेज करने लगी सभी को कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सपोर्ट करो। क्योंकि देखो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे ना, देखो मैं आपको अभी एक लॉजिक चीज समझाता हूँ। देखो मान लो मैं यहाँ पे रेड और ब्लू पेन से लिखता हूँ, मान लो आप ये एक्सपोर्ट करोगे और इम्पोर्ट, मान लो कि ये बहुत सारी अदर कंट्रीज़ है, ठीक है, ये अदर कंट्रीज़ है और ये मान लो कि अभी के लिए इंडिया है। अब देखो, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट करना मतलब जब आपकी कंट्री कोई और कंट्रीज को सामान बेचती है, एक्सपोर्ट मतलब होता है सेल करना, ठीक है। अब इसके बल आपकी कंट्री ने सामान बेचा तो अब ये वाली कंट्री क्या करेगी, आपको पैसा देगी। सपोज करना आपने इनको 1000 का सामान बेचा तो बाकी कंट्री क्या करेगी, आपको 1000 रुपये आपको पैसा देगी, ठीक है। तो आप गुल्लक में कितना आ गया, 1000 रुपीज़ आ गया। अब जब आप इम्पोर्ट का मतलब होता है जब आप बाहर की कंट्री से सामान मंगाते हो, ठीक है, इम्पोर्ट, उसे हम इम्पोर्ट कहना कहते हैं। तो इम्पोर्ट करना मतलब परचेस करना। अब देखो, मान लो सपोज करना कि आपने 500 का सामान बाहर की कंट्री से मंगाया तो आपके पास 1000 गुल्लक है। अब 1000 में से 500 का सामान आपने बाहर से मंगाया तो 1000 में से आप 500 माइनस कर दो तो आपके पास कितना, 500 भी बाकी है, ठीक है। 1000 आपने एक्सपोर्ट किया तो आपको 1000 मिला, आपने बाहर की कंट्री से सामान किया इम्पोर्ट किया तो आपको इस पैसे में से 500 रुपये आपको देना पड़ेगा बाहर की कंट्री को, है ना। तभी भी आपके पास क्या रहेंगे, 500 रुपये बचेंगे। तो अनफॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये है कि आपके पास 500 रुपये क्या, मतलब एग्जाम्पल में आपके पास पैसे बच जाते हैं अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है। और इससे क्या होगा कि बाहर की कंट्री के साथ आप कॉम्पिटेटिव लेवल बैठा लोगे। तो इसका मतलब फिर देर के बाद समझेंगे, लेकिन अभी के लिए इतनी सी चीज़ के लिए जाने के लिए आपके लिए अभी बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो इतनी चीज़ जो थी मैंने आप सभी के साथ अभी डिस्कस कर दिया। और एक चीज़, जब गवर्नमेंट इंडिया की इंडस्ट्री को बाहर की कंपनी से प्रोटेक्ट करती थी तो वो कैसे करती थी, वो ना इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा देती थी या ड्यूटीज टू सेव फॉरेन एक्सचेंज। इसके बारे में मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, लेकिन आप अभी थोड़ी देर के लिए समझ लो ये ईयर ऑफ डिवाइड क्या था जो कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स थे जो कि मैंने आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया। होपफुली आपको क्या करना है, ये सारे पॉइंट्स को नोट करना है, ठीक है, यहाँ से लेकर आपको नोट करना है। फटाफट कीजिए, मैं वीडियो को वीडियो पॉज करके मैं इसे पलटते जाऊँगा। हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी के बारे में, और साथ ही साथ हम उसके गुड इम्पैक्ट भी जानेंगे और साथ ही साथ उसके हम बैड इम्पैक्ट भी जानेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी के बारे में, जिसे हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटजी थी ये गवर्नमेंट 1991 से पहले अपनाती थी, ठीक है। तो ये आप पिछले लेक्चर में पढ़ के रखा है। अब मैं आपको डायग्राम के साथ समझा देता हूँ कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन बेसिकली होता क्या है। देखो मान लो ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, इंडिया की इंडस्ट्री को क्या करती थी, प्रोटेक्ट करती थी बाहर की बड़ी बड़ी कंपनी से, ठीक है। अब ये इसलिए करती थी, देखो जैसे इंडिपेंडेंस हुआ ना तो गवर्नमेंट, हमारी जो इंडस्ट्री थी ना वो बहुत कमज़ोर टाइप की थी, तो गवर्नमेंट को लगा कि यार इनको ना प्रोटेक्ट करना चाहिए, अगर अभी बाहर की कंट्री को बुला देंगे तो हमारी इंडिया की जो भी कंपनीज हैं वो क्या उनके सामने वो टिक नहीं पाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम इंडिया की इंडस्ट्री को बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, वो क्या करती थी, इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन एंड ड्यूटीज लगाती थी। मतलब गवर्नमेंट कहती थी बाकी कंपनीज को या कंट्रीज को, अगर तुम्हें अब इंडिया में कुछ भी सामान बेचना है या कुछ भी करना है तो तुम्हें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, कहा कि तुम्हें बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, और तुम बस इतना ही सामान बेच सकते हो, उसके ऊपर नहीं बेच सकते। तो कुछ कुछ गवर्नमेंट ने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन एंड ड्यूटीज लगाए, जिससे क्या हो गया, इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो क्या हो गई, बच गई बाहर की इंडस्ट्री से। तो इसे हम कहते हैं इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन या फिर इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, ठीक है। ठीक है, तो अब अगर आप पढ़ोगे डोमेस्टिक इंडस्ट्री मतलब इंडिया की इंडस्ट्री इज ऑफर्ड प्रोटेक्शन, उन्हें गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दिया फ्रॉम फॉरेन कंपनीज, बाहर की कंपनी से उन्हें इंडिया की इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया गया थ्रू इम्पोर्ट
रिस्ट्रिक्शन एंड ड्यूटीज, ठीक है। तो यही चीज है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब, और ये सिस्टम हम 1991 के पहले फॉलो करते थे। तो हम अब ये जानेंगे कि 1991 में जब हम ये पॉलिसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते थे तो इससे 1990 तक, इंडिपेंडेंस से 1991 तक क्या फायदे या क्या नुकसान हुए, ठीक है। तो गुड इम्पैक्ट मतलब क्या फायदे, और मैं बैड इम्पैक्ट मतलब क्या नुकसान, ठीक है। तो ये अभी हम जानेंगे। सो गुड इम्पैक्ट मतलब इसे अच्छा क्या हुआ, ठीक है। मतलब जब हम स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे थे 1947 या फिर 1951 जो भी है, चलो 1951 टू 1990, ठीक है, 1991 से पहले ही हम जो इसके फायदे क्या थे, ठीक है। सबसे पहला है हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ विद स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान से समझना, जैसे इंडिपेंडेंस हुआ, हम लोगों ने क्या किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया। ग्रीन रिवॉल्यूशन में आप देखोगे 1951 में 12% क्या हुआ, एग्रीकल्चर में ग्रोथ आया। लेकिन 1991 में ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण 25% ग्रोथ आया। मतलब आप देखोगे, कंपेयर करोगे तो 12 से 25 हो गया। मतलब कहीं ना कहीं क्या हो गया, जीडीपी बढ़ गया। मतलब कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है बढ़ गया। अब एग्रीकल्चर आता है प्राइमरी सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर बढ़ता है तो आप सभी को पता है जीडीपी बढ़ता है। जीडीपी का बढ़ना ये शो करता है कि कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब देखो, इसका मतलब यह है कि कंट्री में पैसा आ रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा हो रही है मतलब कंट्री में ज़्यादा पैसा आ रहा है। अब मुझे बताओ, कंट्री के पास ज़्यादा पैसा आ रहा है तो कंट्री क्या करेगी, इस पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करेगी। जैसे डैम बनाएगी, स्कूल बनाएगी, हॉस्पिटल बनाएगी। तो अब इस डैम बनाने के लिए भी लोग चाहिए, लोगों को बोलेगी कि तुम आके काम करो, उनको पैसा देगी, तो लोगों के पास भी पैसा आएगा, ठीक है। कहीं अब तो कहीं ना कहीं पैसे से क्या हो रहा है, स्कूल हॉस्पिटल ये सारी चीज़ें बनते जा रही है। तो कहीं ना कहीं कंट्री का स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन भी अच्छा हो रहा है। कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी आएगी, पानी का सप्लाई बढ़ेगा, हॉस्पिटल आएंगे, स्कूल आएंगे, डैम बनेंगे, ब्रिजेस बनेंगे, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो इसे कहते हैं स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यही होता है, जैसे जीडीपी ग्रो करता है मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ करी, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है पैसा आ रहा है। पैसा जैसे कंट्री के पास आता है तो वो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करती है, जिससे स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ता है, ठीक है। तो ये है फर्स्ट पॉइंट का मतलब, जिसे आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्स में। अब मुझे आप कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब यह है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है और स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ता है साथ में, तो उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ भी जब साथ में बढ़ेगी और स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन भी साथ, मतलब ये दोनों जब साथ में बढ़ेंगी तो इसे कहते हैं हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। देखो क्या होने लग गया 1951 से और 1990 में, क्या होने लग गया इस टाइम में, पता है, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आने लग रही थी। बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज जैसे बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, तो ये सारी चीज़ें क्या होने लगी, बहुत बढ़ने लगी। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज जो थी, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज जो थी उनका कहीं ना कहीं जो था डिमांड क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। तो ये जो टोटल जो कंट्री में, पूरी इंडिया में जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, वो सबको हम क्या कहते हैं, सनराइज इंडस्ट्री। मतलब सनराइज इंडस्ट्री ही इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जब पूरी टोटल करेंगे आप, जितनी भी वर्ल्ड में 1, 2, 3, 4 इंडस्ट्रीज है सबकी इलेक्ट्रॉनिक, तो ये सारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज को एक साथ मिलकर सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो होने क्या लगा 1951 और 1990 के बीच में, ठीक है, अब सनराइज इंडस्ट्री ग्रो करना चालू कर दी। अब मेन रीज़न यह है, इसलिए ग्रो कर रही थी क्योंकि ये जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ना, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इसी कारण ग्रो कर रही थी। देखो इंडिया में 1951-1990 के बीच में बच्चों, बाहर की कंट्रीज में ना बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी जो इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर काम करते थे। लेकिन क्या था, हमारी इंडिया की इंडस्ट्री बहुत कम थी, ठीक है, और कम बहुत वीक टाइप की थी, बहुत कमजोर थी। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, ये सनराइज इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करके रखा था, ठीक है, बाहर की इंडस्ट्री से। तो कहीं ना कहीं सनराइज इंडस्ट्री इसलिए ग्रो करी थी क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन मिला था। इनिशियली शुरू में उन्हें बहुत प्रोटेक्शन मिला था, इसलिए हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री क्या करने लगी, ग्रो करने लगी। तो कहीं ना कहीं ये जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद हुई, जिसके कारण हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री क्या होने लगी, ग्रो होने लगी। अब अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखो सबसे पहले एक चीज़ जानो, लेटेंट रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। देखो लेटेंट रिसोर्सेज मतलब एक ऐसी रिसोर्सेज जो खाली पड़ा, हिडन या आइडल। हिडन का मतलब है छुपके, आइडल का मतलब है ऐसी खाली पड़ा होना। बट है पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब है यूजफुल, ठीक है, पोटेंशियल का मतलब है यूजफुल। तो हमारे लेटेंट रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि बहुत यूजफुल रहते हैं लेकिन उसको कोई यूज़ नहीं कर रहा है यूजफुल, बहुत यूजफुल है लेकिन उसको यूज़ नहीं कर रहा है, वैसे रिसोर्सेज को कहते हैं लेटेंट रिसोर्सेज। अभी लेटेंट रिसोर्सेज ना सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही यूज़ कर पाती थी, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही लेटेंट रिसोर्सेज का अच्छा यूज़ कर पाती थी। लेकिन आप सभी को पता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट करके रखा था, वो भी इस पॉलिसी के अंदर। ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, इसमें भी गवर्नमेंट ने क्या किया था, स्मॉल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करके रखा था बाहर अदर कंट्रीज की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी के कारण ये छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिंदा थी। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिंदा थी तो कहीं ना कहीं लेटेंट रिसोर्सेज भी अच्छे से यूज़ हो रहे थे, यूटिलाइज हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण ही ये सारी चीज़ें हो रही थी। गवर्नमेंट की पॉलिसी से स्मॉल इंडस्ट्री प्रोटेक्ट हो रही थी तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चल रही थी। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चल रही है मतलब लेटेंट रिसोर्सेज भी यूज़ हो रहा है ना। तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है। तो ये तीन जो मैंने आपको बताया ये हमारे पास गुड इम्पैक्ट। अब अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा बैड इम्पैक्ट के बारे में होगा।
ठीक है। तो ये तीनों जिसमें आपने ये देखा कि गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी के कारण हमें ये सारे फायदे मिल रहे थे, ठीक है। अब हम जानेंगे कि गवर्नमेंट की इस वाली स्ट्रेटजी के कारण हमें क्या क्या नुकसान झेलने पड़े। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। मोनोपोलीज का मतलब है वन सिंगल सेलर, सिंगल सेलर, जैसे रेलवे, ठीक है, एक सिंगल ही है, रेलवे सिर्फ गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। जैसे आपने पब्लिक हॉस्पिटल सुना है, प्राइवेट हॉस्पिटल सुना है, पब्लिक बस सुनी है, प्राइवेट बस सुनी है, लेकिन क्या कभी ऐसा सुना है पब्लिक प्राइवेट रेलवेज, पब्लिक रेलवेज? नहीं, आपको पता है रेलवे सिर्फ गवर्नमेंट के पास है, तो इसे कहते हैं मोनोपोली, सिंगल सेलर, एक ही बेचने वाला है मार्केट में। देखो, सबसे पहले इसकी मीनिंग पढ़ना, प्रोटेक्शन ऑफ अ पब्लिक इंटरप्राइजेस लीड टू द ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट मोनोपोलीज। मतलब हम पब्लिक इंटरप्राइजेस को प्रोटेक्ट तो कर रहे थे, लेकिन वो क्या हो रहा था, इनएफिशिएंट मोनोपोलीज, मतलब वो बहुत बेकार चीज़ में कन्वर्ट हो रहा था। कैसे? देखो, टेलीफोन और एसएमएस, आप ना 1990 के बीच में ना टेलीफोन और एसएमएस ना बहुत कम यूज़ कर पाते थे। अगर आपको पता होगा, मॉम डैड से पूछना कि 1990 के पहले क्या होता था, टीवी खरीदना भी बहुत मुश्किल होता था, ब्लैक एंड व्हाइट वाली। अब मान लो कोई, अगर आपके गांव या कोई भी एरिया में अगर कोई भी एक बंदा टीवी ले लेता था ना, पूरा मोहल्ला उस घर में आ जाता था टीवी देखने के लिए, ऐसी सिचुएशन थी। तो 1990 में जो टेलीफोन कंपनी, टेलीफोन इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं क्या थी, गवर्नमेंट के पास में थी। गवर्नमेंट बोली कि सिर्फ हमारे पास रहेगा टेलीफोन इंडस्ट्री और किसी के पास नहीं रहेगा। अब इससे होने क्या लगा, देखो, बिफोर 1990 इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज टेलीकम्युनिकेशन वॉज इन गवर्नमेंट मोनोपोली, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि टेलीफोन क्या था, सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही था, तो कहीं ना कहीं हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो 1990s में ऐसा नहीं था यूज़ कर रहे थे, बहुत कम लोग, बहुत ही कम लोग, 1% लोग ही सिर्फ यूज़ कर पाते थे, ठीक है। लेकिन मेनली क्या था, इसकी वजह क्या थी, हम यूज़ क्यों नहीं कर पाते थे, क्योंकि गवर्नमेंट की फालतू की मोनोपोलीज के कारण, ठीक है। गवर्नमेंट ने बोला कि सिर्फ हम ही यूज़ करेंगे, कोई नहीं यूज़ करेगा, जिसके कारण क्या हो गया, ये बहुत बेकार स्ट्रेटजी हो गई। अब है लैक ऑफ कॉम्पिटिशन इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अब इसमें क्या होने लगा, लैक ऑफ कॉम्पिटिशन इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन में हमारे पास ना कॉम्पिटिशन नहीं था सर। इसका मतलब देखो, गवर्नमेंट ने क्या करके रखा था, हमारी सभी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करके रखा था। तो जितनी भी हमारे पास इंडस्ट्री थी, उनका ना कोई कंपटीशन नहीं था बाहर की इंडस्ट्री के साथ, बाहर की कंट्री की इंडस्ट्री के साथ कोई कंपटीशन नहीं था। तो हमारी जो इंडस्ट्री थी ना, एकदम आराम से बैठी थी, एकदम चाय पी थी घर में बैठ के। तो उसके कारण क्या हो गया, वो अपने आप को ना मॉडर्नाइजेशन नहीं कर पाई। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाई, ठीक है। जैसे अगर आपको पता होगा, 1990 के पहले, 1991 के पहले इंडिया में सबसे ज़्यादा फीएट या एम्बेसडर कार चलती थी, ठीक है। तो जब तक गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट कर रही थी, जब तक गवर्नमेंट उन्हें प्रोटेक्ट कर रही थी, तब तक क्या थी, ये ग्रो कर रही थी। लेकिन जैसे गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन हट गया, तो क्या हो गया, ये जो कंपनीज थी ग्रो करना कम कर दी थी, है ना। तो ये कहीं ना कहीं यही चीज़ है, क्योंकि गवर्नमेंट जैसे प्रोटेक्ट करना कम कर दी, मतलब ये कहीं ना कहीं ग्रो नहीं कर रही थी, क्योंकि कॉम्पिटिशन आ गया था, बाहर की कंपनीज आ गई थी। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, देखो, फीएट और इन्वेस्टर ना पहले, जैसे 1990, मैं यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 1951 टू 1991 तक, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ तक क्या था, गवर्नमेंट सभी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करके रखी थी, जैसे फीएट, एम्बेसडर, ये सारी कंपनीज को ना प्रोटेक्ट करके रखी थी, कार्स को प्रोटेक्ट करके रखी थी, जिसके कारण ना ये सिर्फ आराम से काम कर रहे थे, ठीक है। इन्हों कोई टेक्नोलॉजी में काम नहीं कर रहे थे कि यार कैसे सस्ते पेट्रोल में ज़्यादा से ज़्यादा कार चली, उसमें कुछ काम नहीं कर रहे थे, आराम से काम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जैसे आफ्टर 1991 में क्या हुआ, 1991 के बाद से गवर्नमेंट ने क्या किया, सब ये सारी कंपनीज को ना प्रोटेक्ट करना छोड़ दिया, जिसके कारण ना ये सारी कंपनीज ना गिरने लगी, इनका प्रॉफिट कम होने लगा, ग्रो करना कम कर दी। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले ना महिंद्रा भी आ गई थी। अब महिंद्रा क्या थी, एक ऐसी कंपनीज थी जो बहुत कम ग्रो कर रही थी। तो बाहर की नहीं, यूएसए में एक फोर्ड करके कंपनी है, ठीक है, आप देखना, बहुत अभी फोर्ड जो है वो फिफ्थ रिचेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी है, ठीक है। तो वो कंपनी इंडिया में आ गई, तो होना क्या लगा, ये सारी जितनी भी कंपनी से, ये सारी ना बहुत डर गए, क्योंकि फोर्ड के पास बहुत अच्छी सी टेक्नोलॉजी थी, तो इनकी टेक्नोलॉजी के सामने ना ये सब कंपनी से टिक नहीं पाई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये ग्रो करना ना कम कर दी, और इनके पास गवर्नमेंट का भी प्रोटेक्शन चले गया था, गवर्नमेंट भी प्रोटेक्ट नहीं कर रही थी, तो कहीं ना कहीं ये सारी अपने आप क्या करने लगी, कम होने लगी। तो अगर आप पढ़ोगे, सम इंडस्ट्री प्रॉस्पर का मतलब है कमाना, ठीक है। तो कोई कोई इंडस्ट्री बहुत कमा रही थी टिल गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड, मतलब कोई कोई इंडस्ट्री, यहाँ से यहाँ तक का मतलब है, कोई कोई कंपनीज या इंडस्ट्रीज अपने आप बहुत कमा रही थी जब तक उन्हें गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करके रखी थी। बट आफ्टर द पॉलिसी ऑफ अ प्रोटेक्शन विदड्रॉ, जैसे ही गवर्नमेंट ने अपना प्रोटेक्शन विदड्रॉ कर दिया, विदड्रॉ का करना मतलब हटा दिया, तो पीपल रिजेक्टेड दीज गुड्स। तो क्या होने लगा, पीपल ना ये सारी प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि बाहर की जो कंपनीज थी ना, बाहर की कंपनीज वो बहुत अच्छी हुआ करती थी, सस्ते में ज़्यादा से ज़्यादा चले, एसी अच्छा, टेक्नोलॉजी अच्छी, तो लोगों को सबसे ज़्यादा ना एम्बेसडर अभी फीएट पसंद नहीं आने, लोगों को बाहर की कंपनीज पसंद आने लग गई थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पीपल क्या करने लगे, रिजेक्ट करने लगे इंडिया के गुड्स को, ठीक है। तो इसलिए इनकी ग्रोथ क्या होने लगी, कम होने लगी। अब है इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। देखो, इसका मतलब है स्वेलिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर अ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। देखो,
यहाँ पे मैंने लिखा है PSEB, इसका मतलब है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, मैंने अभी शॉर्ट में लिखा है। तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस जो थी ना 1951 से लेकर 1991 तक हर जगह पे हाथ मार रही थी। अब देखो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आप कॉमर्स के भी हो, अगर आप बोलोगे कि मुझे बायो भी पढ़ना है और आप बोलोगे मुझे PCM भी करना है, तो क्या कोई भी बंदे के लिए पॉसिबल है? नहीं है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही थी, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस क्या कर रही थी, वो हर जगह पे हाथ मार रही थी, हर जगह पे। वो क्या करती थी, जैसे शूज़ भी बना रही थी, ब्रेड भी बना रही थी, ये छोटे छोटे काम जो प्राइवेट सेक्टर भी कम कर सकता है वो भी काम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज बोलती थी कि नहीं वो भी काम प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज नहीं करेगा, हम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस करेगा। ठीक है, तो हर वो चीज़ हर जगह पे वो क्या करने लगी, हाथ मारने लगी। अब आपको पता है अगर आप कॉमर्स के हो और आप बायो भी पढ़ोगे PCM भी पढ़ोगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा, बहुत बेकार आएगा ना। आप कॉमर्स का अच्छे से पढ़ पाओगे, ना बायो अच्छे से पढ़ पाओगे, ना PCM अच्छे से पढ़ पाओगे। तो यही सेम चीज़ हमारी गवर्नमेंट के साथ भी था, वो उसने तो हर जगह हाथ मार लिया, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, आउटपुट क्या हुआ, बहुत बेकार निकला। ठीक है, तो वही लिखा है स्वेलिंग अप अपॉर्चुनिटी। जो स्वेलिंग अप अपॉर्चुनिटी का मतलब है, जो चीज़ प्राइवेट सेक्टर भी कर सकती थी, छोटे छोटे काम जैसे ब्रेड बनाना, शूज बनाना, वो भी काम क्या करने लगी, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस करने लगी। ठीक है, तो वही लिखा है स्वेलिंग अप अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर अ प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज, मतलब जो अपॉर्चुनिटी प्राइवेट सेक्टर की थी, जो ब्रशूज करना, छोटे छोटे काम करना, ब्रेड बनाना, वो भी काम क्या करने लगी, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस करने लगी। ठीक है, तो हर जगह में हाथ मारी, रिजल्ट क्या निकला, बेकार निकला। इनडिस्क्रिमिनेट एंड इरेशनल यूज ऑफ अ पब्लिक रिसोर्सेज, वो क्या पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस क्या करने लगी, जो उनके पास रिसोर्सेज है उसका अच्छे से यूज नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तो जिसके कारण ये जो पॉलिसी थी वो फ्लॉप होने लगी। अब है इकोनॉमिकल अनवाइबल स्टेट इंटरप्राइजेस। अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो सेक्टर इंटरप्राइजेस मतलब, देखो प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस को ना जब भी लॉस होता था ना तो उनको क्या करनी पड़ती थी, अपनी कंपनी को बंद कर देनी पड़ती थी। लेकिन जब पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस जब लॉस होता था ना उनको, तो गवर्नमेंट बोलती थी कि इनको शटडाउन नहीं करो, क्योंकि पब्लिक सेक्टर इज प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट। क्योंकि अगर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को लॉस होता था ना तो क्या करती थी, गवर्नमेंट उनको पैसा दे देती थी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के पास अगर कभी भी लॉस होता था ना, उनको अपनी कंपनी को बंद करना पड़ता था। तो ये क्या थी, एक तरीके की बहुत बेकार बात थी। ठीक है, तो जब आप ये गुड और बैड इंपैक्ट देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा गवर्नमेंट ने बहुत सोचा कि अरे यार ये सही भी है कि नहीं। तो जैसी गवर्नमेंट सोचने लगी तो गवर्नमेंट को पता चला कि यार जो हमारी पॉलिसी है, ये वाली जो हमारी पॉलिसी है, कौन सी, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, इस पॉलिसी का मतलब ये है कि ये ज़्यादा से ये जो पॉलिसी है इसके फायदे बहुत कम है और नुकसान ज़्यादा है। गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हो गया, गवर्नमेंट को पता चल गया कि जो हम पॉलिसी कर रहे हैं इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, वो उसके नुकसान बहुत ज़्यादा है लेकिन फ़ायदे बहुत कम है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट को पता चल गया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 1991 में गवर्नमेंट ने जो पहले ये वाली देखो इनवर्ट लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी या फिर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी, यही है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी को क्या कर दिया, बंद कर दिया, जिसे मैंने शॉर्ट में लिखा है ILS। ठीक है, और गवर्नमेंट ने बोला कि आफ्टर 1991 हम एक नई पॉलिसी निकालेंगे, NEP मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी निकालेंगे। ठीक है, तो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ना अगले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के चैप्टर में मैंने क्या कर दिया, आप सभी के साथ इंडियन फॉरेन ट्रेड के बारे में पूरा चैप्टर आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया। बस अभी आपका काम क्या है, आपको ये सारी चीज़ें फटाफट नोट करनी है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप ये सारी चीज़ों को नोट कर लेना। ठीक है, चलिए, ठीक है बच्चों, चलो मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, बाय, एंजॉय, टेक केयर एंड चीयर्स।